हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 111. कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस. सो आज की जो वीडियो है वो टैरो प्रेडिक्शन के ऊपर है और आज हम टैरो प्रेडिक्शन के मदद से जानेंगे यू वर्सेस देम की करंट फीलिंग्स. हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की भावनाएं आपके लिए क्या चल रही हैं एंड आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो. तो आप दोनों की ही फीलिंग्स एंड तक देखेंगे डिटेल में और एंड में आपके लिए कुछ स्पेशल है. सो ज़रूर एंड तक वीडियो के बने रहिएगा ताकि क्या स्पेशल है आपको पता चल सके. सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है. आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो. पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे, बाथ सॉल्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो. सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो ज़रूर आप एक बार चेक कर लीजिएगा. सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को. सबसे पहले जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स हम चेक करेंगे. ओके सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड फोकस बनाकर रखिए रहिएगा जिस भी इंसान के करंट फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो. ओके We have Four of Wands. We have the Lovers. Wow. We have the Emperor. Oh my goodness! Back to back Major Arcana. We have Knight of Swords. We have Seven of Pentacles. बहुत अच्छी एनर्जी है. बॉटम द डेक से भी दिखा देती हूँ. है जजमेंट. ठीक है, सो लेट्स सी. सो देख लेंगे. ये पूरी तरीके से टाइमलेस है, मैंने पहले ही बताया आप सबको. और ये सारे साइन सारे राशियों के लिए हैं, तो आप चाहे किसी भी सिचुएशन में हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो. और ये सभी जोडियक्स राशि के ऊपर है. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं. सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर एक एनर्जी दिख रही है आपके इंसान की, कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो जिनसे कनेक्टेड हो, ये इंसान इस वक्त आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट महसूस कर रहे हैं, बहुत खुश है ये इंसान आप दोनों के रिश्ते को लेकर एंड आपको लेकर. ठीक है, उनको बहुत अच्छी भावनाएँ आ रही है. ठीक है, उनके मन में एक स्टेबिलिटी आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है जो कि कहीं ना कहीं बहुत हद तक मिसिंग था. ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनको फील हो रही है कि इन्हें आपके साथ कितने खुशी से रहना है, आप दोनों कितने जचते हो एक दूसरे के साथ, आप दोनों कितने ज़्यादा खुश रह सकते हो एक दूसरे के साथ, आप दोनों कितने ज़्यादा एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो. ठीक है, डिफरेंसेस होती हुए भी कितना ज़्यादा एक दूसरे को समझते हो, एक दूसरे के अपने हों. ठीक है, तो ये अच्छी भावनाएं इनको दिख रही है. इनको पॉजिटिव क्वालिटीज़, गुड क्वालिटीज़ इस रिश्ते में क्या एग्जिस्ट कर रहा है वो नज़र आ रहा है. ठीक है, सो दे आर फीलिंग रियली हैप्पी, दे आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड कि आप दोनों का रिश्ता कितना प्यारा है, कितना ज़्यादा ट्रू लवर्स हो आप दोनों. ठीक है, कितने ज़्यादा सच में प्यार करते हो आप दोनों एक दूसरे से. ओके, एंड इस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये अरोस्ड फील कर रहे हैं आपको सोच कर. यू नो, उन्हें फील हो रहा है कि वो काश आपके पास फिज़िकली प्रेजेंट होते. सो रोमांटिक फीलिंग्स, ठीक है, अरोजल थाट्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इस इंसान को आ रही है. दिस पर्सन इज़ डे ड्रीमिंग अबाउट यू. ठीक है, 18+ मैसेज यहाँ दिख रहा है. सो इस इंसान को बहुत रोमांटिक फीलिंग आपके साथ आ रही है. ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि ये हर एक तरीके से आप के साथ इन्वॉल्व हो जाए. ठीक है, आप के साथ इनका बस मिलन हो जाए हर एक तरीके से. यू नो व्हाट आई मीन. सो उस टाइम के लिए, उस एनर्जी के लिए, उस फीलिंग के लिए दिस पर्सन इज़ क्रेविंग रियली रियली हार्ड, लिटरली तड़प रहे हैं. उनको आपको आपके करीब आना है. ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में. ओके, एक पागलपन सवार हो चुका है इनके अंदर,
कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं नहीं रह सकता, अब मैं नहीं रह सकती, मुझे ये इंसान चाहिए, इनका प्यार चाहिए. सो दे रियली वॉन्ट टू कडल यू, दे वॉन्ट मेक लव विथ यू. ओके, एंड वो चाहते हैं कि ये जो मिलन है वो हर एक चीज़ का मिलन अब हो जाए. ठीक है, मेंटल मेंटल यूनियन, स्पिरिचुअल यूनियन, इमोशनल यूनियन एंड फिजिकल यूनियन एज वेल. सो दिस पर्सन फीलिंग लाइक कि दे आर रेडी, वो रेडी हैं इस रिश्ते को निभाने के लिए, इस रिश्ते में कमिट करने के लिए, एंड आपको अपना बनाने के लिए, एंड खुद आपकी होने के लिए. इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ अब आप हो, आपके बिना उनका कौन है, कौन है उनको संभालने वाला, कौन है उनको समझने वाला, कौन है उनको हर बार हर पड़ाव में माफ़ करने वाला. सिर्फ आप हो उनके ज़िंदगी में, जिन पे वो विश्वास कर सकते हैं, जिन जिनसे वो कभी भी हेल्प मांग सकते हैं, जिनसे वो कोई भी बात कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी जजमेंट्स के. आपके बिना उनका और कोई नहीं है जो उन्हें समझ सके, संभाल सके, जैसा आप उन्हें संभालते हो, आप उन्हें प्यार करते हो. ठीक है, सो उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनको अपने व्यवहार को, सोच को अगर बदलने की ज़रूरत पड़े तो उन्हें बदलनी चाहिए, उन्हें बदलनी चाहिए ताकि वो आपके होकर रह सकें, ताकि वो आपको खुश रख सकें, ताकि आपके मन में वो शांति बनाकर रख सकें, जो शांति आपको चाहिए इस रिश्ते से, इस प्यार से. ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, एंड इसी के चलते उन्हें फील हो रहा है कि जब मैं इस इंसान के लिए सीरियस हूँ, जब मैं इस इंसान को सच में लाइफ टाइम के लिए चाहता हूँ, तो अब मैं इस इंसान के साथ हर एक रूप से जुड़ना चाह रहा हूँ या जुड़ना चाह रही हूँ. ठीक है, सो दे आर फीलिंग रियली रियली पैशनेटली एंड सेक्सुअली ऑल्सो फॉर यू. ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है. कुछ लोगों को हो सकता है कि ऑफेंडिंग लगे, बट इट्स ए जनरल रीडिंग. ठीक है, ऐसी ये कोई बुरी बात नहीं है, बट येस दे आर फीलिंग वेरी मच रोमांटिक टूवर्ड्स यू. एक अलग ही लेवल का खिंचाव, एक अलग ही लेवल का यू नो रोमांटिक एनर्जी इन्हें फील हो रहा है आपके टूवर्ड्स. अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा. एंड ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यू नो आउट ऑफ लस्ट है, नो, आउट ऑफ लव ही ये चीज़ वो फील कर रहे हैं, क्योंकि वो फील कर रहे हैं कि उन्हें आपके साथ जुड़ना है, वो आपके साथ कमिटमेंट में, लॉयल्टी के साथ वो रहना चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी को बरकरार रखना चाहते हैं. तो अगर स्टेबिलिटी चाहिए होगा तो हर एक रूप से एक दूसरे को समर्पण करना पड़ेगा. ठीक है, एक दूसरे को डिवोशन दिखाना पड़ेगा, एक दूसरे के होकर जीना पड़ेगा. ठीक है, कोई भी एक चीज़ मिसिंग होगी तो हो सकता है प्रॉब्लम्स आए 3D लाइफ में. तो इस इंसान के दिमाग में ये चीज़ चल रहा है. ओके, सो फीलिंग्स तो आपके पर्सन की बहुत अच्छी है. और भी कार्ड्स देखेंगे. वी हैव ब्रोकन हार्ट नंबर 9. We have rest and rejuvenation number 19. सो देखिए यहाँ पे है 9, यहाँ पे आ गया है 10. तो आपके पर्सन देखिए किसी भी तरीके के अनस्टेबिलिटी से, हार्ड ब्रोकन एनर्जी से निकलना चाहते हैं. ठीक है, एंड उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जो रिश्ता होता है, जो प्यार होता है, उसे बहुत प्यार के साथ, ठीक है, जिम्मेदारी के साथ और एक दूसरे के साथ निभाना चाहिए. ठीक है, जो चीज़ें ईजिली निभाई जा सकती है उसमें क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, उसमें क्यों इश्यूज क्रिएट करना. ठीक है, यही सारी चीज़ें आपके पर्सन के दिमाग में चल रही है कि ये रिश्ता बहुत अच्छा है, इसे हम बहुत इजीली खुशहाल से जी सकते हैं. ओके, एंड जब इतने अच्छे तरीके से हम इसे जी सकते हैं एंड आराम से हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो क्यों इस कनेक्शन को कॉम्प्लिकेटेड बनाना, क्यों इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट करना. ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आपके पर्सन को लग रही हैं कि अब उन्हें इस रिश्ते को बहुत इजी लेना है. एंड ऐसा नहीं कि इजी मतलब सब कुछ भूल जाए, वो नहीं, इजी इस तरीके से लेना है कि इस कनेक्शन में हमेशा हैप्पीनेस को वो बरकरार रख पाएँ. ये उनकी अब अपकमिंग एफर्ट्स होगी फॉर योर रिलेशनशिप. ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है. चलिए देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है. ये तो आपके पर्सन की फीलिंग्स हमने देख ली. We have Ace of Bows, we have Nine of Arrows, we have Queen of Arrows. Bottom of the deck से दिखा देती हूँ. Bottom of the deck से we have Five of Arrows.
सो आपकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त की, मैं बताती हूँ। आप भी कहीं ना कहीं पैशनेट फील कर रहे हो, आपको भी एक अपने पर्सन की तरफ एक अट्रैक्शन फील हो रहा है, जुड़ने का मन कर रहा है, सिमिलर फीलिंग्स दिख रही हैं आपके पर्सन के तरफ से, मतलब आपके पर्सन जैसा फील कर रहे हैं, कुछ हद तक आप भी उनके लिए भी सेम टू सेम सिमिलर फील कर रहे हो, जैसे कि आपको भी अट्रैक्शन फील हो रहा है, आपको भी उनके साथ करीब जाने का मन कर रहा है, उनके साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड करने का मन कर रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा सा जुनून के साथ एंड रोमांटिक वे में कुछ नया स्टार्ट हो आप दोनों के बीच में, स्पार्क आए, आप दोनों क्लोज आओ, तो ऐसी आपकी भी क्रेविंग एंड फीलिंग हो रही है अंदर से, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो फीलिंग है ये वेस्ट होगा, मतलब ऐसा आपको फील नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऐसा कुछ हो नहीं सकता और आपको इतना ज़्यादा डीप जाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं अपने दिल और दिमाग में फंस चुके हो, क्योंकि आपका डिज़ायर्स कुछ और चल रहा है इस रिश्ते को लेकर करेंटली, और आपका दिमाग आपको कह रहा है कि इतना ज़्यादा डीप इन्वॉल्व नहीं होना है, या इतना ज़्यादा रोमांटिक वे में इस इंसान के लिए नहीं सोचना है, ठीक है, इस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है तुम्हें, बिकॉज आई फील लाइक कि आप जो भी रीडिंग को देख रहे हो आप बहुत इमोशनल हो। सो आपको लगता है कि जब जब आप ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होना चाहते हो, आपको दुख मिलता है, या आपके पर्सन आपको हर्ट करते हैं, या रिश्ता चल नहीं पाता, तो उससे क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट आती है। तो अभी भी आप बहुत अट्रैक्शन, आपके मन में डिज़ायर्स है, प्यार है, रोमांस करने की चाहत है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इतना ज़्यादा डीप लेवल पे इस इंसान के लिए फ़ील नहीं करना चाहिए, या इस इंसान के साथ उतना इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए, बिकॉज़ अगर आप फिर से रोमांटिक वे में, फिजिकल वे में, इमोशनल वे में कनेक्ट करते हो ज़्यादा, तो वो आपके लिए हानिकारक होगा अगर ये रिश्ता ख़त्म होता है तो, या इस रिश्ते में इशूज़ आते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कंट्रोल में रखना चाह रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ों को सोचना एंड फील करना, या चाहना कि इस इंसान के साथ आप उन सारी चीज़ों को कर पाओ, वो कहीं ना कहीं एक अपने आप को फूल बनाना जैसा है, ठीक है, अपने आप को बेवकूफ़ बनाने जैसा है। तो ऐसा हमें नहीं सोचना है, हमें स्ट्रांग रहना है, हमें इमोशनली कनेक्ट नहीं करना है, और ना ही हमें इस इंसान के लिए और इस रिश्ते को लेकर रोमांटिक वे में या बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होकर सोचना है। तो आप कहीं ना कहीं अपने दिल के अगेंस्ट जाना चाह रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि दिल का सोचकर या दिल के अकॉर्डिंगली चीज़ों को पूरा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो जो खुशियाँ होगी वो टेम्पररी होगी, लेकिन आपका पीस जो है वो परमानेंट है। तो आप टेम्पररी खुशियों को या टेम्पररी सेटिस्फैक्शन को चूज़ नहीं करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपका मेंटल पीस बरकरार रहे, और वो कैसे रहेगा, जब आप इस रिश्ते के बारे में कम सोचोगे, या फिर सोचोगे भी तो इमोशनल वे में या रोमांटिक वे में, सेक्सुअल वे में नहीं सोचोगे, तो आपके लिए बेटर होगा। तो कहीं ना कहीं आप स्टेबल रहना चाह रहे हो, शांत रहना चाह रहे हो, और ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस रिश्ते को या इस इंसान को ज़्यादा देना नहीं चाह रहे हो इमोशनल लेवल पर करंटली, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। सो जो भी ख्याल आपके मन में आ रहे हैं आप उसे बंद कर ले रहे हो कि मुझे नहीं सोचना है, मुझे फील नहीं करना है इतने सारी चीज़ें, मुझे डे ड्रीमिंग नहीं करनी है, मुझे फैंटेसाइज नहीं करना है, आई वॉन्ट टू बी इन रियालिटी, ओके, ऐसे एनर्जी मुझे आपके तरफ से दिख रही है। कनेक्ट टू द पल्स ऑफ मदर अर्थ, शी विल गाइड यू थ्रू दिस टाइम ऑफ चेंज। तो यहाँ पे आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर एक ही गाइडेंस मिल रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो, अपने दिल और दिमाग में आपकी लड़ाई चल रही है ना, तो सारी चीज़ों को भूलो, सरेंडर करो, ठीक है, और मदर अर्थ से प्रे करो कि वो आपको सही पाथ पे लेके जाए, या इस रिश्ते की जो सच्चाई है वो आपको दिखे, एंड मदर अर्थ आपको डेफिनेटली गाइड करेगी कि कैसे आपको प्रोसेसिंग करना है, या कैसा अपना माइंडसेट एंड इमोशन रखना है, ठीक है। और जहाँ तक मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन तो डेफिनेटली पॉजिटिव हैं, तो आपको भी यू नो ओपन टू चेंजेस में आना होगा, मतलब कि अगर आपके कनेक्शन में कुछ अच्छा हो सकता है, अगर आपके पर्सन फॉर अ गुड कॉज बदल सकते हैं और आप उन्हें प्यार भी करते हो, तो आपको उस पॉसिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करने की एनर्जी में आना पड़ेगा। अगर आप इन्हें प्यार भी करते हो, आपको ये रिश्ता अच्छा चाहिए भी, लेकिन आप अपने आप को, अपने दिमाग को समझाने में लगे हो कि इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो इफ़ यू वॉन्ट दिस पर्सन एंड दिस रिलेशनशिप टू ग्रो, आपको न्यू पॉसिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करने की ओपन एनर्जी में आना होगा कि ठीक है, अगर बदलाव आएंगे, अगर अच्छी चीज़ें, अच्छी एनर्जी मेरे लाइफ में आना चाहती है, मेरे लव लाइफ में आना चाहती है, तो मैं रेडी हूँ एक्सेप्ट करने के लिए, मैं रेडी हूँ उन्हें इनवाइट करने के लिए अपने लाइफ में। तो इस एनर्जी में आप रहो अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, इस रिश्ते में खुशहाली चाहते हो तो, ठीक है। तो इस गाइडेंस को आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। सो अब जो मैं बता रही थी स्पेशल, आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए थे, ठीक है, कि मैं
जो भी प्रोडक्ट्स है वो आप लोगों को शो करूँ। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को क्रिस्टल्स के बारे में पता ही होगा, ब्रेसलेट्स के बारे में, रिंग वगैरह में भी दिखा दूँगी मैं। मैंने सोचा कि बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, ठीक है, सो अलग से वीडियो या फिर पोस्ट में डाल दूँगी। मेरे इंस्टा में ऑलरेडी डला हुआ है पेंडेंट, रिंग विंग वगैरह। सो अगर आपको एनर्जाइज क्रिस्टल चाहिए रिलेटेड टू लव, करियर, हेल्थ, मनी, ब्यूटी, सेवन चक्रा हीलिंग, प्रोटेक्शन, एवी लाइफ प्रोटेक्शन, पॉजिटिविटी, फाइनेंशियल गेन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसके लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर मैसेज कर सकते हो। आपके प्रॉब्लम, आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंगली परफेक्ट क्रिस्टल आपको सजेस्ट किया जाएगा, जो कि आप परचेस कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। और ये जो होते हैं एनर्जाइज होते हैं, जो कि सिर्फ आपके लिए स्पेशली होते हैं, तो आप खुद के लिए भी ले सकते हो, किसी को गिफ्ट करने के लिए भी ले सकते हो। दूसरा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ बाथ सॉल्ट्स, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, ठीक है। दो वेरियंट्स जो हैं स्टॉक में है इस वक्त, वन बाय वन मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ। ये जो सबसे पहला जो बाथ सॉल्ट है आपको दिख रहा है, ये आपके लव मैनिफेस्टेशन के लिए है, ठीक है। ये एनर्जाइज बाथ सॉल्ट है, यानी कि आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंगली इसे एनर्जाइज करवाया जाएगा, आपके विशेष के अकॉर्डिंगली इसे एनर्जाइज करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो बाथ सॉल्ट है, इसे आपको करना कुछ नहीं है, इसे सिर्फ आप आपका जो बाथ वाटर है यानी नहाने का जो पानी है उसमें, ठीक है, या फिर अगर आप पेडिक्योर मैनीक्योर करते हो तो उसके पानी में, ठीक है, आपको इसे डाल के यूज़ करना है, ठीक है। ये आपके लव मैनिफेस्टेशन के लिए है, आप अपने लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो सिर्फ इसे पानी में डाल के नहाकर या फिर अपने डे टू डे क्लीनिंग प्रोसेस में वाटर में यूज़ करके आप इसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसे यूज़ करने से एक प्लस पॉइंट है कि आपको ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा, कोई यू नो पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन टेक्निक में मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको अपने बाथ रूटीन में इसे इंक्लूड कर लेना है और आप इजीली बहुत ही जल्द अपने लाइफ में जो भी चाह रहे हो रिलेटेड टू लव, रिलेटेड टू रिलेशनशिप, रिलेटेड टू कमिटमेंट, लॉयल्टी, रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू रोमांस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बेसिकली लव लाइफ में जो भी चाह रहे हो, जिससे भी चाह रहे हो, वो आप मैनिफेस्ट ईजिली कर पाओगे। इसे ओपन करके की करके भी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, देख सकते हो आप लोग, ओके ऑल राइट। एंड ये दूसरा जो वेरिएंट है, ये है आपका एवी लाइफ प्रोटेक्शन एंड अबंडेंस पॉजिटिविटी अट्रैक्शन के लिए। इसे भी अगर सेम तरीके से आप अपने नहाने के पानी में, वॉट बाथ वाटर में या पेडिक्योर में, मैनीक्योर टाइम में, कहीं पर भी यूज़ करते हो बेसिकली, सो ये आपको प्रोटेक्टेड रखेगा किसी भी तरीके के नेगेटिव एनर्जी से। अगर आपके आसपास कोई भी है, तो कोई भी अगर बुरी शक्ति आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है या फिर आपके आसपास हमेशा मौजूद रहती है, तो उससे आप प्रोटेक्टेड रहोगे, साथ में पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर पाओगे, अबंडेंस मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो लाइफ में अगर रुकावटें बहुत हैं, अड़चनें बहुत आती हैं, काम बनते बनते रुक जाते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं और हमेशा माइंड में टेंशन होती है, कुछ ना कुछ घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, भारीपन फील होता है, नकारात्मक सोच, नकारात्मक एनर्जी, हमेशा डिजी फील करते हो, हमेशा टायर्ड रहते हो, तो उन सारी चीज़ों को हटाने के लिए ये बाथ सॉल्ट बेस्ट है आपके लिए। आप इसे तीन बार यूज़ करोगे, चौथे टाइम से आपको रिजल्ट देखना शुरू हो जाएगा गारंटीड वे में। मैं आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ, तो देख सकते हो। ये भी अगर एनर्जाइज होगा आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंगली, आपके इश्यूज़ या विशेज़ के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज मिलेगा, ठीक है। एंड तीसरा मिस्ट के बारे में भी आपने पूछा था, तो मिस्ट मैंने बहुत बार दिखाया है इस तरीके से स्प्रे बॉटल्स में। आपको चार तरीके के मिस्ट मिलेंगे, अट्रैक्शन मिस्ट, पॉजिटिविटी मिस्ट, हीलिंग मिस्ट, ओके, एंड दूसरा है एवी लाइफ प्रोटेक्शन मिस्ट, ठीक है। तो चारों में से कोई भी मिस्ट आप ले सकते हो, इसे सिर्फ आप स्प्रे करोगे और कुछ टेक्निक्स होते हैं जो कि आपको प्रोडक्ट के साथ मिल जाते हैं और मैं भी आपको डिटेल में बता देती हूँ, तो उसको अगर आप फॉलो करके यूज़ कर सकते हो तो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। सो इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए, व्हाट्सएप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए एंड अपनी ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। इन दोनों में से भी अगर आपको कोई भी बाथ सॉल्ट चाहिए, ज़रूर से ज़रूर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए और अपनी ऑर्डर प्लेसमेंट करवा लीजिए। जो भी ऑर्डर प्लेसमेंट होंगे वो व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टा के थ्रू होंगे, तो ज़रूर आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, एंड ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें। एंड ऑल्सो आपको अपकमिंग वीडियोज़ में कौन से टॉपिक्स पे टैरो प्रेडिक्शंस चाहिए, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वन बाय वन कवर करूँगी। इसके पहले भी मैंने करियर की अगस्त मंथ की प्रेडिक्शन
ओके और मैरिज प्रेडिक्शन कवर की है। तो जो लोग करियर के लिए पूछ रहे थे, अगस्त मंथ का आप देखिएगा, करियर का वीडियो आपको मिल जाएगा सर्च करोगे तो, अगर अभी तक आपको मिला नहीं है तो। हर एक टॉपिक्स के वीडियोस आते हैं, अगर आपको मिलते नहीं हैं फीड में तो ज़रूर मेरे चैनल पर एक बार स्क्रॉल कीजिएगा, आपको बहुत सारे टॉपिक्स पर मेरे वीडियोज़ मिल जाएंगे। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।